हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? अच्छे हैं आप लोग? कई बार हम सोचते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में ये करेंगे, कुछ खास करेंगे, कुछ प्लानिंग हम अपनी लाइफ के लिए करके रखते हैं, लेकिन परिस्थितियों के कारण हम वो काम कर नहीं पाते, हमको कुछ और ही करना पड़ता है। कहा जाता है मनुष्य जो है वो परिस्थितियों का गुलाम होता है। Man is born free, but everywhere he is in chains. जैसे एक बच्चा श्याम, आज वो लोग बहुत अमीर हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत बड़ा सा घर है उनका, लेकिन पहले उनका परिवार काफी बड़ा था और वो इतने अमीर नहीं थे। बहुत उनको समस्याएं थी उनके सामने। उनके पिताजी को वो स्कूल जाया करते थे पैदल, मीलों चल के। उनके पास पहनने के लिए पैरों में चप्पल भी नहीं होती थी, बेफुटेड जाते थे। उसके बाद उनको स्कूल छोड़ना पड़ा। वो स्कूल छोड़ना नहीं चाहते थे, वो पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनको स्कूल छोड़ना पड़ा, पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उनको काम करना पड़ा, पैसा कमाना पड़ा जिससे वो अपने परिवार को सपोर्ट कर सके। फिर उनको कर्ज लेके उन्होंने अपनी फैक्ट्री चालू की और उसके बाद उन्होंने तरक्की की। और तरक्की करने के बाद आज आप देखते हैं कि श्याम कितना समृद्ध है। कौन सा काम परिस्थितियों के कारण हमें करना पड़ा, इन बातों को बताने के लिए जिस शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं वो है हैड टू। हम करना नहीं चाहते लेकिन हम काम करने पे मजबूर हो जाते हैं, वैसा हमें करना पड़ता है। तो ये चीजें जो हमें परिस्थितियों के कारण करनी पड़ती हैं उनको हैड टू से बताना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया श्याम के पिताजी का, हिज फादर, हैड टू वॉक टू स्कूल। बेयरफुटेड यानी खाली पैर, चप्पलें नहीं थी, खाली पैर उनको जाना पड़ता था। बाद में हिज फादर हैड टू क्विट स्कूल, स्कूल छोड़ना पड़ा क्योंकि उनको घर को सपोर्ट करना था। His father had to work to support his family. अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए उनको काम पर जाना पड़ा। फिर उन्हें कर्ज लेना पड़ा एक कारखाना चालू करने के लिए। His father had to take a loan to start a factory. फैक्ट्री चालू करने के लिए उन्हें क्या लेना पड़ा, लोन लेना पड़ा। ये सारी चीजों को अच्छी तरह से एक बार समझिए। हैड टू, कोई काम करना पड़ा, कोई काम करने के लिए आप बाध्य हुए, ऐसे वाक्यों को हम हैड टू से बताते हैं। जैसे
His father had to walk to school barefooted. उसके पिताजी को स्कूल पैदल खाली पैर जाना पड़ा. कोई चाहता है क्या कि कोई खाली पैर जाए? कोई पसंद नहीं करता कि उसको खाली पैर स्कूल जाना पड़े. लेकिन क्यों जाना पड़ा? क्योंकि उनके पास चप्पल के पैसे नहीं थे. His father had to quit school. पिताजी को स्कूल छोड़ना पड़ा क्योंकि फैमिली बड़ी थी, कमाने वाला एक ही व्यक्ति, तो कैसे कमाते? तो उनको क्या करना पड़ा? स्कूल छोड़ना पड़ा. His father had to work to support his family. अपने परिवार को सहयोग करने के लिए, सहारा देने के लिए उन्हें क्या करना पड़ा? काम पे जाना पड़ा. His father had to take a loan to start a factory. फैक्ट्री चालू करने के लिए उन्हें लोन लेना पड़ा. तो कोई काम करना पड़ा. ये जब आपको कहना है तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? हैड टू का इस्तेमाल करेंगे. समझ में आ गया अच्छी तरह से? एक बार मेरे साथ पढ़ेंगे. His father had to walk to school barefooted. His father had to quit school. His father had to work to support his family. His father had to take a loan to start a factory. चलिए एक और सिचुएशन देखते हैं. संडे को सबका आराम करने का मन होता है. सब चाहते हैं कि संडे आराम करें. लेकिन एक संडे ऐसा हुआ मीना के घर में कि मीना के घर की जो सर्वेंट है, जो काम करती है, वो नहीं आई. अब मीना के घर का सारा काम तो डिस्टर्ब हो गया, सर्वेंट ही नहीं आई. तो मीना के घर में किसको क्या करना पड़ा, आइए समझते हैं. मीना's फादर had to wash the car. पिताजी को कार धोनी पड़ी. मीना's मदर had to cook the food. मीना की मम्मी को खाना पकाना पड़ा. मीना's एल्डर सिस्टर, बड़ी सिस्टर को had to clean the house. मीना की बड़ी बहन को घर की सफाई करनी पड़ी. मीना's एल्डर ब्रदर had to water the plants. Meena had to clean the utensils. मीना को यूटेंसिल्स, बर्तन साफ करने पड़े. एंड मीना's अंकल had to wash clothes. मीना के अंकल को क्लोथ्स धोने पड़े, कपड़े धोने पड़े.
तो ये सारा काम किसको करना पड़ा? मीना के परिवार को, क्योंकि कौन नहीं आया था? उनकी मेड सर्वेंट। इसको समझिए, हैड टू करना पड़ा। किसको क्या करना पड़ा? मीनास फादर हैड टू वॉश द कार। मीना के पिताजी को कार धोनी पड़ी। मीनास मदर हैड टू कुक द फूड। मीना की मम्मी को खाना पकाना पड़ा। मीनास एल्डर सिस्टर हैड टू क्लीन द हाउस। मीना की बड़ी बहन को घर की सफाई करनी पड़ी। मीनास एल्डर ब्रदर हैड टू वाटर द प्लांट्स। मीना के बड़े भाई को पौधे में पानी डालना पड़ा। मीना हैड टू क्लीन द यूटेंसिल्स। मीना को यूटेंसिल्स बर्तन धोने पड़े। एंड मीनास अंकल हैड टू वॉश क्लोथ्स। मीना के चाचा को पूरे क्लोथ्स कपड़े धोने पड़े, क्योंकि उनकी मेड सर्वेंट नहीं आई। और उनका प्लान क्या था? आराम करने का था। उनका आराम संडे को खत्म। ऐसा होता है। इस तरह से अगर कोई परिस्थिति विपरीत हो जाए, मेरे ख्याल से आपको यह सब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कोई परिस्थिति विपरीत हो जाए और आपको आपके मन का काम ना हो, आपको कुछ अलग करना पड़े, तो हैड टू से इसको बताते हैं। हम पिकनिक पे गए, अंधेरा होने लगा, हमको तुरंत वो जगह से वापस आना पड़ा। कैसे बोलेंगे? As it was getting dark, we had to leave the place. As it was getting dark, we had to leave the place. अंधेरा हो रहा था, हमें उस जगह से जाना पड़ा। As we were getting late, as we were late कर लीजिए, हमको देर हो चुकी थी, हमें देर हो रही थी, we had to run to catch the bus. बस पकड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ा? दौड़ना पड़ा। समझ में आ रहा है अच्छी तरह से? As there were no buses, कोई buses नहीं थी, we had to walk home. बसेस नहीं थी, हमें क्या करना पड़ा? पैदल चलना पड़ा। हम नहीं कर पाए, हम कोई गाड़ी हमें नहीं मिली, तो हमें कैसे आना पड़ा? पैदल चल के आना पड़ा। इस तरह से एज इट वॉज गेटिंग डार्क, मेरे साथ साथ बोलिए, एज इट वॉज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा था, वी हैड टू लीव द प्लेस, हमें वो स्थान छोड़ना पड़ा। एज वी वर लेट, हमें देर हो रही थी, वी हैड टू रन टू कैच द बस, हमें दौड़ना पड़ा बस को पकड़ने के लिए। As there were no buses, वहां पर कोई buses नहीं थी, we had to walk home, हमें कैसे आना पड़ा? पैदल आना पड़ा। इसी तरह से as the man was blind, we had to help him, we had to help him to cross the road. As the man was blind, वो व्यक्ति अंधा था, we had to help him to cross the road. हमें उस व्यक्ति की मदद करनी पड़ी जिससे वो रोड क्रॉस कर सके। अब आइए, मेरे ख्याल से आपको हैड टू समझ में आ गया होगा। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी, हमको ऐसा करना पड़ा, ठीक है? आइए लेट्स डू इट देखते हैं। लेट्स डू इट में आपको करना ये है, हम आपको कुछ वाक्य बता रहे हैं, कुछ सेंटेंसेस दे रहे हैं, और आपको उसको स्टार्ट करना है, लिखना है आई हैड टू, मुझे करना पड़ा।
Help my father in the fields. कैसे करेंगे? I had to help my father in the fields. Second, go on foot for 6 kilometers to go to school. I had to go on foot for 6 kilometers to go to school. बन जाएगा आप लोगों से, दो बता दिया मैंने. इसी तरह से आपको करना है, help my mother to cook food, fetch water from long distance, take animals to jungle for grazing. ये 5 sentences हैं जिनको I had to से आपको बनाना है. जल्दी से कीजिए. इसके बाद है let's speak, जिसमें आपको वाक्य बनाना है. pairs में आ जाइए, एक बच्चा वाक्य बनाएगा और दूसरा बच्चा उसका translation करेगा. जैसे first one, work in a shop to earn some money. I had to work in a shop to earn some money. मुझे काम करना पड़ा एक दुकान पे जिससे मैं कुछ पैसे कमा सकूं. Work hard to get through the board exams. मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ी जिससे मैं बोर्ड एग्जाम पास कर सकूं. Take care of my youngest sister at home. मुझे अपने सबसे छोटी बहन का ख्याल घर पे रखना पड़ा. मैं सब बता दे रही हूँ ना हिंदी में, ये आपको बोलना है, अब नहीं बताऊंगी. Arrange flowers for my grandmother for worship. दादी माँ की पूजा के लिए मुझे फूल का इंतजाम करना पड़ा. Study in dim light of earthen lamp in my hut. मुझे मिट्टी के दिए की रोशनी में अपनी झोपड़ी में पढ़ना पड़ा. अब ये अभी मैंने आपको बता दिया, अब आप अगर ध्यान से सुने होंगे तो बन जाएगा. आपको करना ये है, इसको I had to से वर्क बनाना है सेंटेंस. आपका दोस्त इसका ट्रांसलेशन करेगा, फिर दोस्त वाक्य बनाएगा और आप उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करोगे. ये है आपका लेट्स स्पीक, हो जाएगा. जल्दी से कीजिए, जब तक क्लास का हर बच्चा नहीं बोल लेगा आपकी कक्षा खत्म नहीं होगी. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.